कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, ये धरती संत शिरोमणि वाल्मीकि की धरती है, ये धरती वेद व्यास की है, ये धरती सूरदास की है, ये धरती कबीरदास जैसे महान संतों की है, जिन्होंने अपनी महान रचनाओं के द्वारा एकता, समरसता, सामाजिक सद्भाव, उसी का संदेश दिया है। संत रविदास जी ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। संत रविदास जी ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात, का जात अरूपात। रविदास पुत सब प्रभु के, रविदास पुत सब प्रभु के, को नहीं जात कुजार। संत रविदास जी ने कहा है कि रविदास जी महाराज कहते हैं, नहीं पूछना चाहिए कि कौन किस जाति में पैदा हुआ है, जाति पाति क्या होती है, अरे सभी इंसान के ईश्वर के संतान है, कोई छोटी या बड़ी जाति का नहीं होता है। भाई बहनों, संत कबीर के गुरु रामानंद जी ने कहा था, जो हरि को भजे सो हरि का होए, जो हरि को भजे सो हरि का होए। भारतीय जनता पार्टी का भी मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और हमें तो यही संस्कार पाए हैं। गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, किसान हो, महिला हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर कोई हमारे लिए हरि का रूप है, हरि का रूप है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जैसे संत रविदास जी ने कहा है, जो हरि को भजे सो हरि का होए, जो गरीब को भजे सो गरीब का होए, जो किसान को भजे सो किसान का होए, जो पीड़ित शोषित वंचित को भजे वो पीड़ित शोषित और वंचित का होए, जो युवा को भजे सो युवा का होए, जो जनता को भजे वो जनता का होए, जो भारत को भजे वो भारत का होए।